जी क्लास आपको आवाज आ रही है? हाँ जी अनस अपना हैंड रेज करें। जी अनस जी आपको एक न्यूमेरिकल नजर आ रहा है, न्यूमेरिकल नंबर 15। यस सर। इसमें इसका डी पार्ट में क्या लिखा हुआ है? सर एस्टिमेट द पी वैल्यू। एस्टिमेट द पी वैल्यू, यानी हमने पी वैल्यू फाइंड कर ली। जी सर। अब पी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? सर वो कंपेयर करते हैं। जी आसान सा तरीका है। स्टेप नंबर वन पे आप लोगों ने क्या करना है, आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम करना, विच इज एन माइनस वन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है डाटा में? पांच। यस सर। फाइव माइनस वन, तो फाइव माइनस वन करें तो क्या आंसर आता है? फोर। स्टेप नंबर टू में आपने टी स्टैट मालूम करनी है। तो टी स्टैट का फॉर्मूला है एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। ये अभी हमने डिस्कस किया है। यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू क्या है सर? पॉपुलेशन में सर वो तो निकालनी नहीं है ऊपर से कार के, क्योंकि फाइव रैंडम सैंपल दिए। जी फिर निकाल के दें मुझे क्विकली। एक्स बार के लिए आपको यहाँ फार्मूला दिया हुआ है सम एक्स ओवर एन, आपको कैलकुलेटर है इनको प्लस करें और फाइव पर डिवाइड कर दें। सर 17। 17 म्यू की वैल्यू क्या होगी? सर वो उन्होंने लेस देन 20 दी हुई है। इट म्यू विल बी 20, ठीक है। और एस की वैल्यू क्या है जी? वो भी आपको निकालनी पड़ेगी। जी सर। Nineteen and twenty one. The x minus x bar. हमारा x bar क्या निकला है? Sir 17. Plus minus x bar square. 18 minus 17. 1. 15 minus 2. 12 minus 2. 5. 1 और 21 माइनस 17 सर 2 नहीं आएगा ऊपर। ओके ओके ठीक है, 2 आ जाएगा और ये 4 हो जाएगा। जी सर। इसको हम स्केयर लेते हैं 1 4 25 4 एंड 16, इन सब को सम करें 50 सर।
सेफ्टी आ गया। अभी फार्मूला पुट करते हैं, एस का फार्मूला मैंने बताया था पहले भी आपको, सम एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन माइनस वन। तो सम एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर कितना निकला है? 50। एन की वैल्यू 5 है, डायरी के आंसर आ रहा है सर ये 3.5355। 3.5355। हम 3.53 ले लेते हैं, 3.53। अब आपने क्या करना है, t की जो वैल्यू है बल्कि s की वैल्यू है ये 3.5355। जी सर। ओके 3.53 इसको आपने डिवाइड करना है अंडर रूट n। n की वैल्यू क्या है? 5। ये बताएं आंसर क्या आ रहा है। ये सारे का आंसर है? यस सर। माइनस 1.900 डबल जीरो। अब इस माइनस के साइन को आप इग्नोर कर दें, इस माइनस के साइन को इग्नोर कर दें, 61 को ले। अब यहाँ पे आपने स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, आपने टी के टेबल पे जाना है।